पहले दुनिया बोलती है लालू जी ये खराब है, आज लालू जी अच्छे हो गए जब गठबंधन में मिल गए। सपा वाले भाई लड़के लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, वो आज सही हो गए। में तो खूब डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं, राहुल का बज गया डंका। राहुल का डंका कैसे? राहुल अभी दौरे में गए थे, आपने देखा नहीं? अच्छा, वही दिखेगा ही नहीं, वो कब चलेगा, कब आगे दिखेगा नहीं। बस चाइना जाते चुपके से और चुपके से अपना गठबंधन करके आ जाते चाइना। चाइना गठबंधन तैयार हो गया, लेकिन उस बारात में दूल्हा कौन है ये किसका चेहरा सामने है? वो पूरे एशिया का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, मोदी चुना जाएगा, हिंदुस्तान का नहीं, पूरे एशिया का, पूरा एशिया नहीं, पूरा पूरा दुनिया का चुना जाएगा तो आएगा, सिर्फ एशिया नहीं। आदमी का भेजा नहीं है, भगवान का भेजा हुआ। जो महागठबंधन इस बार बना है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गठबंधन है चोरों का गठबंधन, चोर चोर है चोर। किसी की माँ तो हमारे, हम माँ नहीं मानते, क्योंकि हमारी माँ, हम अपनी माँ को गाय में नहीं छोड़ सकते, हम गाय मानते ही नहीं है। राहुल गांधी ये तो कह रहे वो बने नहीं, नहीं बनेंगे, बन जाएंगे आप देखेंगे, अब नहीं बनेंगे वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN न्यूज 24 में और आपके साथ मैं हूँ परमजीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किला के एकदम सामने, जहाँ पे मैं 2024 के चुनावी मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुँची हूँ। आपको पता होगा 2024 के जो चुनाव हैं वो तकरीबन पास आ ही चुके हैं और जो विपक्षी दल हैं वो सारा एकजुट हो चुका है। तो मैं यही जो राय है इस पे लोगों से जानूंगी कि लोग इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं पहले इनसे बातचीत करती हूँ। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है सिकंदर खान। कहाँ से हैं आप? दरियागंज, दिल्ली। दिल्ली से हैं आप, तो 2024 के चुनाव आपको पता है लगभग पास आ ही गए हैं, तो इसको लेके क्या सोचते हैं? सोच तो यही है महागठबंधन जो है इसकी जीत होगी, राहुल गांधी की सरकार आएगी। आप कैसे इतने दावे के साथ बोल सकते हैं? क्या सारा महागठबंधन एकजुट हो गया इसीलिए? नहीं, इसलिए नहीं, इस देश में जो है 9 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, बहुत ही मतलब लोग जो है परेशान है, जनता जनता बहुत परेशान है इस वजह से। तो मोदी सरकार को हराने के लिए गठबंधन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो एक पार्टी अकेली भी हरा सकती है। अच्छी बात है, महागठबंधन का मोदी जी को रोकने के लिए जो गठबंधन हुआ अच्छी बात है। मतलब कुछ तो बात है मोदी जी में। मोदी जी कोई बात नहीं, मोदी जी खुद गठबंधन कर 30 पार्टियों जिले के जोड़ना है, पहले 36 इंच संसद में चला गया था, मैं हूँ अकेला काफी हूँ। वो तो कहते हैं 56 इंच का जो सीना है, तो सारा गठबंधन एक कैसे हो गया? वो उनको साथ जो जोड़ना है ना, अपने अपने आप कमजोर महसूस कर रहे हैं इंडिया के नाम से, जो है इनको इतनी चिड़ हो गई है कि बौखला गए ये एनडीए सरकार। इंडिया जो है हमारा भारत का एक हिस्सा ही तो है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जब ये बौखला गए हैं तो वो किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ, मेरा भी आपसे अच्छी बात हो रहा है, तो मोदी जी को एक इंसान को हराने के लिए सारा गठबंधन। मोदी अगर अगर भेड़ इकट्ठे हो रहे हैं मतलब कि एक शेर आ गया, सीधी सी बात है, एक शेर आ गया, सारे भेड़ इकट्ठे हो गए। और ऐसा कोई भी नेता नहीं है इंडिया में जिसके ऊपर एक दाग ना हो। तो मोदी जी को जो आप 23 पार्टियों लेकर मोदी जी को जोड़ रहा है, पहले दुनिया बोलती है लालू जी ये खराब है, आज लालू जी अच्छे हो गए जब गठबंधन में मिल गए। सपा वाले भाई लड़के लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, वो आज सही हो गए। आज जितने गलती थे आज सब सही हो गए, जब इंडिया मिल गया, एक इंडिया नाम मिल गया तो सारे। ये बताओ मोदी जी ने देश के लिए 9 साल में क्या करा है आप बताइए? आप बाकी बताओ ना, देश कहां से कहां पहुंचाया है आपको? 5 ट्रिलियन में पहुंचा दिया ना, अब 3 ट्रिलियन के लिए बोला है। आप बोलो 3 ट्रिलियन होता कितना है? आप तो ये नहीं जानते 3 ट्रिलियन होता है 9 सालों के अंदर जो है ना। सोचे कि एक इंसान को हराने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है, जरूरत है। कहीं ना कहीं उसको आप समझते हैं कि वो शक्तिशाली है, अभी वो काफी है? नहीं मानते जी, ना महागठबंधन मानता शक्तिशाली है वो। अच्छा, आप नहीं मानते? नहीं नहीं, नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते? जी इन्होंने सोचा ही नहीं, देश के बारे में कुछ करा ही नहीं, बस हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बाकी विदेश से सब लोग करना शुरू कर दिया कि इंडिया का नाम लेना शुरू कर दिया। अब अमेरिका का राष्ट्रपति में तो खूब डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं, राहुल का बज गया डंका। राहुल का डंका कैसे? राहुल अभी दौरे में गए थे, आपने देखा नहीं? अच्छा, वही नहीं, वो कब चलेगा, कब आगे दिखेगा नहीं, बस चाइना जाते चुपके से और चुपके से अपना गठबंधन करके आ जाते चाइना से। चाइना ने तो 9 सालों के अंदर 165 किलोमीटर अंदर घुस आया हमारे। आपने देखा क्या? अरे 165 नहीं, उसे और भी ज्यादा घुस आया, जिसे अभी तक हमने वापस नहीं। और किसके काल में? जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय बोला था कि भाई हमारी उपजाऊ जमीन नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। केदारनाथ से लेके जो है ना लद्दाख तक घुस चुका अंदर वो। केदारनाथ भाई अभी इंडिया में है, अभी अभी मत जाने दो, अभी मत जाने दो, अभी इंडिया में ही है केदारनाथ। केदारनाथ उसके आगे, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैलाश बोलते हैं, ठीक है, जो अभी इंडिया में नहीं है। और वो छीना कब गया था? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री छीना है 9 सालों में, वैसे 165 किलोमीटर अंदर घुसिया है, अंदर घुसिया है, पता ही नहीं कोई विकास नहीं करा वैसा। क्या विकास नहीं हुआ तो बर्बाद क्या हुआ? बर्बाद क्या हुआ, पढ़े लिखे लगे लोग देखता हूँ बैटरिया चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं, नौकरी मिली ना नहीं, रोजगार पकौड़े बेचो, पकौड़े बनाओ,
आज को पकौड़े तलने वाले ना लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है, उतना नौकरी वाले नहीं कमा रहे, उतना नौकरी वाले नहीं कमा रहे। पकौड़े बेचेगा MBBS करके, कौन पकौड़ा बेच रहा है बता दो, एक आदमी का नाम, एक आदमी का नाम जो MBBS कर रहे हैं उसे बिकवा रहे, बेवजह की बात है क्यों? नहीं ना ना, हमारा तो हम तो ऐसे करता हूँ। आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है 2024 में कौन इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी बने, मोदी बनेगा, उसमें पूछने का जरूरत ही नहीं है। 2024 में मोदी है तो मोदी है, अगर तख्ता पलट हो गया तो ऐसा, अगर हम लिख के दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे अभी मिलके बिहार में गए थे ना, गठबंधन किए हैं, ये क्या ऐसा कुछ है ही नहीं, इतने सारे के अंदर डर बैठ गया कहीं फिर से मोदी ना आ जाए। नीतीश कुमार ने गठबंधन किया ना, तो गठबंधन का नेता बोले, उन्होंने क्या किया, पहले बोला कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगली बार से हम लड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारी सीट आ गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बीजेपी वाले शायद हमें राष्ट्रपति बना दें जब मैं ऐसा बोलूंगा, तो बीजेपी वाले भाई ईमानदार ठहरे, उन्होंने एक दलित को बना दिया, इनसे पचा नहीं, बोला हमें उपराष्ट्रपति बना देगा आप, उपराष्ट्रपति किसी और को बना दिया, बोला अब उपराष्ट्रपति भी गया हाथ से, उपराष्ट्रपति भी गया, मुख्यमंत्री भी गया, अब बचा कौन, बोला कि भाई गठबंधन तोड़ो, आज से हम क्या करते हैं उसके साथ मिल गया हूँ, RJD के साथ, ठीक है। इंडिया के नाम से क्या एलर्जी हो रही है NDA की सरकार को? इंडिया किस लिए? अरे कौवे का नाम हंस रख दोगे तो क्या अलग हो जाएगा? कौवे का नाम कौवा ही रहेगा, मैं अपना नाम NDA में प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। गठबंधन अगर हिंदुस्तान इसका नाम इंडिया ना करके हिंदुस्तान करता तब भी ऐतराज करती है इंडिया सरकार, या भारत करता, भारत करता तब भी ऐतराज करते हैं आप लोग। नाम रखने के लिए और भी बहुत सारे नाम थे, वो देश के नाम पे क्या रखने की जरूरत है? देश गठबंधन तैयार हो गया, लेकिन उस बारात में दूल्हा कौन है ये चीज किसका चेहरा सामने है? वो लास्ट में फाइनल करेंगे, अभी पता नहीं दूल्हा कौन है। मैडम सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये अभी बोल रहे हैं ना कि ये एक मिनट, ये चाचा आप भूल जाओ, आप अगर सरकार आ गई ना आपके जूता मेरा सर रहेगा, ये लिख के दे रहा हूँ। ये बोल रहे ना अगर ये हार गए, अगर ये हार गए इंडिया, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे फिर। आज नया गठबंधन पूरे एशिया का प्रधानमंत्री चुना जाए तो मोदी चुना जाएगा, हिंदुस्तान का नहीं, पूरा एशिया नहीं पूरा दुनिया का चुना जाएगा तो आएगा, सिर्फ एशिया नहीं, आदमी का भेजा नहीं है, भगवान का भेजा हुआ। जो महागठबंधन इस बार बना है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? नहीं, चोरों का गठबंधन, चोर है चाणक्य की नीति कहती है अगर राजा जब ईमानदार हो तो, अगर जब विपक्ष जब एकजुट हो जाए तो समझ जाओ कि राजा निष्पक्ष है, इसलिए जितने चोर हैं सब गठबंधन। कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या चोरी की बता रहा हूँ, देश का सबसे पहला घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ था, जब कांग्रेस के इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, मुंबई आदर्श सोसाइटी घोटाला, जो एक हाँ ए से लेके जेड तक घोटाला था। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अमेठी क्षेत्र उनके परदादा का था, लेकिन उन्होंने कभी भी अमेठी क्षेत्र में जाकर जनता से नहीं मिले, इतना इनका अहंकार हो चुका था, ये जनता से नहीं मिलते, ये पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे, तो इनको प्रधानमंत्री किस उम्मीद पर बना दिया जाए? ये बोलेंगे हमको दे दीजिए, अरे आपको देश ने 60 साल दिया, आपने देश के लिए क्या किया है? कांग्रेस ने पहले अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता था, कांग्रेस की जब सरकारें थी किसानों को यूरिया डाई नहीं मिलती थी, ये सत्य है, अब मिलता है, अब मिल रहा है, कई लोगों की तो अभी भी शिकायतें हैं, फिर इलाज नहीं होता, उनका क्या है? जिसको विरोध करना विरोध करते रहे, लेकिन पहले से सुविधा बेटर हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं ये कह रहा था, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भाई साहब बोल रहे 60 साल में कुछ नहीं किया है, वैसे बराबर कुछ नहीं किया होगा, 750 साल तक देश गुलाम रहा, उसके बाद इतनी बढ़िया उद्योग था, उस उद्योग का जितना टैक्स था सब कांग्रेस वाले खा गए, हजारों करोड़ों रुपए टैक्स से आ रहे होंगे, इसलिए घोटाला किए। घोटाले कहाँ से किए, क्या कौन सा उद्योग था जो घोटाला हुआ? पब्लिक से लूटा क्या उन्होंने? पब्लिक के पास तो कुछ था ही नहीं, हजारों साल से कुछ था ही नहीं, तो लूटा क्या हो? जो था राजा शाही सामंतवादियों के पास था, पब्लिक के पास तो कुछ नहीं था, बंधुआ मजदूर था, और ये बोल रहे 70 साल से लूटा, जो कुछ मिला है इन 70 सालों में मिला है, मगर हमने एक मुद्दे से इनको भाजपा को लाए, एक भारत का सबसे अभिन्न अंग था गाय बोलो तो, हम सब हंसी मजाक का विषय ले रहे हैं, मगर हमारे पौराणिक जीवन में सबसे अधिक कोई महत्वपूर्ण रहा तो गौ और गाय वंश रहा है, ठीक है ना? इंसान को नहीं बचाना है, मणिपुर में कांड हो रहा है, इंसान को नहीं बचाना है, लेकिन सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज जानवर, बहुत जानवर रखे क्या करेगा, इंसानियत जरूरी है। आपने कितना बचाया? एक मिनट,
क्या मनुष्य ने क्या ज्यादा एहसान किया है, तो जीने का अधिकार है और उनको मरने का अधिकार है। मनुष्य ने ऐसा कौन सा कर दिया? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उसका कितना गलत मान मनुष्य वो मणिपुर में हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अगर गृह मंत्रालय से आया तो दो दिन में रोक सकती है उसको, गृह मंत्रालय को अर्जेंट जा रहा है। फिर उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उसके लिए आवाज उठाया जाए पहले ना, पहले जब तक इस धरती पर इंसानियत नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। पहले इंसान आपके साथ है मगर गाय के मुद्दे हम सब साथ होंगे तब देश बसेगा। कितनी गाय को बचाया है आपने? कितनी गाय बचाई है? 50,000 गोवंश की सेवा, और ये 150,000 कहाँ पे? पतमेड़ा विश्व का, गूगल खोलो बहन जी। 150,000 बच्चों की तरह देखो कैसे घूमती है गाय। साहब जी ये कूड़ा खाती है, कूड़ा इसलिए तो गाय का माता कहते हैं। किसकी माँ घूमती है? अरे भाई साहब माँ का मतलब वात्सल्य प्रेम देने वाली घूमती है। आपने गाय को माता बना दिया और रोड पे छोड़ रखा है। किसकी माँ को घूमती है? कूड़ा खाती है किसी की माँ? तो हमारे हम माँ नहीं मानते क्योंकि हमारी माँ, हम अपनी माँ को गाय में नहीं छोड़ सकते। हाँ हम गाय मानते ही नहीं है, क्यों हम क्यों दोष नहीं है? हम जैसे नालायक पैदा हुए गाय को तो माता बन के पूजा जाता है भाई साहब जी। एक इनको कूड़ा खाई है तो आप अपनी माँ को छोड़ोगे? रोड पे गर्म पानी डाल दिया जाता है, पानी घर से पानी लोग फेंककर गाय को भगाता है। गाय को अपनी माँ को छोड़ सकते हो? रोड के ऊपर कूड़ा खाने गई है जो गाय परिवारों में, लेकिन धर्म के हिसाब से तो गाय को माता ही माना जाता है। मोदी जी के एक भाषण है कि सबसे बड़ा बीफ मार्केट इंडिया बनेगा, बीफ मार्केट इंडिया बनेगा। गाय भैंस नहीं जाओ आप मणिपुर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ इंपोर्ट जो है इंडिया करती है, नंबर वन पे इंडिया है बीफ इंपोर्ट में, नंबर वन पे है। और जो हिंदू है ना उसका बीफ मार्केट है। वो पांच जो सबसे बड़ी कंपनी है वो पांचों ब्राह्मण की कंपनी है, ना कोई मुस्लिम की कंपनी नहीं है, ब्राह्मण की कंपनी पांचों है। आप मणिपुर पे क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर पे पर है ना हिंसा रुके, इंसानियत बचना चाहिए, उसके बाद है ना कुछ बचना चाहिए। भाई मणिपुर राजस्थान कहीं भी होता है, क्योंकि क्योंकि जो मोदी जी है ना वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे ये मत कहो कि आपका राजस्थान में ये हो गया, उन्होंने जो भाषण दिया है कि राजस्थान में हो गया। क्या लगता है उनके कार्यकाल में काम कैसा हुआ? काम ऐसा है, उन्होंने जो किया BSNL को बेचा है, राय किए को किराए पे दे दिया, डायमिया को, लोग तो कहते हैं लाल किला यहीं पे, डायमिया को किराए पे दिया हुआ है। इतिहास उठा के देखो किराए पे, उनके समर्थक तो मैं क्या कहूंगा उनके समर्थकों को, वो भी हमारे भाई हैं। जब उनको जब उनको अक्ल आएगी तो बहुत बड़े अच्छे सीखेंगे, ठीक है ना। गाय को माता इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें भयम रूप है। मैं उसके पूरे गुण बता सकता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। गाय को अगर देखना है ना, एक गाय का बछड़ा यहाँ बांधे रखो और गाय की पट्टी आंखों बांध लो, 300 किलोमीटर दूर छोड़ दो, और वो बिना देखे उस बछड़े तक आएगी, उसको बोलते हैं वात्सल्य प्रेम। वो माँ है उसकी, क्या मालूम कितनी दीर्घ शक्ति होगी, उसका दूध पीने वाला बच्चा बच्चा कितना महान होगा। वो गाय को, बच्चों को, ये जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको गाय का दूध पिलाओ और आने वाले भविष्य को तैयार करो। हमारे बच्चों को पियाओ, उसके बच्चे का दूध इंसान को पियाओ। गाय का दूध तो पीते हैं? नहीं, बेचा जाता है, पीते नहीं है, हम खरीदते हैं उसको, खरीद के तो पीते हैं। हाँ, क्योंकि हमें उसके गुण पता है इसी है, नहीं तो गाय किसी के बच्चे का दूध हम पिए हैं, उसका हक छीन के पीते हैं हम। अच्छा। क्योंकि हम इंसान सबसे गंदे चीज हैं किसी भी जाति के अंदर। क्या लगता है 2024 में इस बार किसकी सरकार आएगी? 2024 में देखो आएगा तो मोदी। हाँ। ये किसी से भी पूछोगे। हाँ। क्यों आएगा? क्योंकि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता था। हाँ। जो कहते हैं ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर वो बनना चाहता तो 2004 के अंदर बन जाता, 2009 में बन जाते। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि उनके परिवार ने कुर्बानी देना सीखा है और कुछ नहीं सीखा। नहीं तो मैन का इस बार तो काफी खलबलाहट दिख रही है। नहीं बनेंगे वो अब भी नहीं बनेगा राहुल गांधी, वो बनेगा ही नहीं कभी प्रधानमंत्री। मोदी क्यों बनेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि मोदी के साथ वो आदमी है, मैं कहना नहीं चाहता, दो जने जो मूर्ति पूजा करता है और जो कट्टेवाद के साथ है। हाँ, जो भाईवाद में है वो कभी भी मोदी के साथ नहीं होगा। बीजेपी के साथ सिर्फ 33% आदमी है, 67% आदमी कहाँ है ये बता दो। अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक पार्टी बन जाती है, बीजेपी कहते हैं ना ये 26 जने इकट्ठे हो गए, उनके साथ 38 जने हैं, और जितने के ऊपर वो था ना इल्जाम, आप बॉम्बे में देख रहे हो, शिवसेना को तोड़ के उसको CM बनाया, अब शरद पवार की पार्टी को तोड़ के उसको CM बनाने की कोशिश की है। इनका काम तोड़ना है, जोड़ना नहीं। ये तो कहते हैं भारत जोड़ा है।
भाया जोड़ा नहीं है ना, तोड़ा है। जो वीर सहवाग को कहते हैं ना, उसने काले पानी से बैठ के 14 बार चिट्ठियां लिखी थी, जब जाके उसको वीर सहवाग की उपाधि दी है, जिसको याद साहब कहते थे, उसको तनख्वाह मिलती थी अंग्रेजों से जासूसी करने की। आपको क्या लगता है महागठबंधन का जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, वो किसका होगा? राहुल गांधी ये तो कह रहे वो बनी नहीं बनेंगे। बन जाएंगे, आप देखेंगे, आप पब्लिक का जो है ना मिजाज चेंज हो रहा है। बनना होता तो बन जाते, अब नहीं बनेंगे।